हेलो बच्चों, आज की वीडियो की टॉपिक काफी सेंसिटिव होने वाली है एंड काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आप CUET के एग्जाम में बैठने वाले हो आने वाले समय में, तो इस वीडियो को तो आपको कतई स्किप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम रहता है सबसे बड़ा, जब भी वो CUET एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे के दिमाग में आता है, बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं जब वो हमारे पास आते हैं कोर्स लेने, या मेरे से किसी स्टूडेंट का बात होता है, इंटरेक्शन होता है, या किसी पेरेंट से बात होता है, एक क्वेश्चन कॉमन है हर किसी में कि भैया CUET का जो एग्जाम है सर, ये कितना डिफिकल्ट होता? क्या ये एग्जाम डिफिकल्ट है? क्या ये एग्जाम के लिए हमें बहुत एक्सट्रीम लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, या फिर इस एग्जाम को हम नॉर्मली आफ्टर बोर्ड्स एग्जाम के बाद भी तैयारी करके निकाल सकते हैं एक महीने के अंदर? क्या ये एग्जाम मॉडरेट लेवल का है? क्या ये एग्जाम बहुत हार्ड लेवल का है? या क्या ये एग्जाम एकदम लोअर लेवल का है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा? ओके, इसे आज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो बताने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप CUET की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या कोई भी यूनिवर्सिटी, 100 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी जो CUET के अंदर आती है, हर किसी के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, एंड हर यूनिवर्सिटीज के लिए हमारे पास बच्चे हैं जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं अपने घर से, अपने मोबाइल फोन से, अपने लैपटॉप से हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो अगर आपको भी हमारे साथ CUET की तैयारी करनी है और CUET 2023 एग्जाम निकालना है एनी हाउ, तो हमारे पास CUET के पूरे कोर्स अवेलेबल है। हमारी कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी बच्चा जीरो लेवल से लेकर के एकदम हीरो लेवल तक पहुंच सकता है। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं पता है, CUET का जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी मैं उस बच्चे को पर्सनली गाइड करके ऊपर तक लेके जाऊंगा, इस बात का वादा है। तो अगर आपको हमारे साथ CUET की तैयारी करनी है, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर गिवन है, इस व्हाट्सएप पे हमें DM करें, अपना डोमेन बताएं, लैंग्वेज बताएं, जनरल टेस्ट बताएं, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या कोर्स लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन दे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरी कोर्स की डिटेल भेज देंगे, एंड देन आप उस कोर्स को ज्वाइन करके डेफिनेटली CUET 2023 एग्जाम क्रैक करोगे। देखो बेटा, बात ऐसा है, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि CUET जो एग्जाम है, कितने लोग इस बैठते हैं, कितने लोग, एक तो बेसिक सी आपको देखनी पड़ेगी डेटा कि कितने बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए CUET एग्जाम भारत का अंडर ग्रेजुएट लेवल में, मतलब आफ्टर 12th में, सेकेंड लार्जेस्ट एग्जाम है आफ्टर नीट, और वो दिन दूर नहीं जब ये आंकड़ा नीट के एग्जाम को भी क्रॉस कर देगा। CUET साल 2022 में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई, एंड पहले ही साल में इसने JEE के आंकड़ों को भी क्रॉस कर दिया। मतलब JEE के लिए जो रजिस्ट्रेशन था, JEE के लिए वो था 9.5 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर करा था, लेकिन CUET के लिए 16 लाख बच्चों ने रजिस्टर करना, और नीट के लिए 18 लाख। तो इस तरीके का डेटा देखने को मिला पहले ही साल 2022 में, जिस समय ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था CUET के बारे में। एकदम से CUET की चलन आ गई और एकदम से UGC ने डिसाइड किया आप सारी यूनिवर्सिटी को मर्ज कर देंगे, DU, JNU, BHU, AMU, JAMIA, जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका एक कॉमन एग्जाम होगा और CUET आपको देना है। एंड बहुत ही लेट ये डिसीजन आई, एंड उसके बाद भी इतने सारे बच्चे अपियर कर गए। अब देखो, अब इस साल 2023 में CUET का एग्जाम और पहले से होने का बात फिक्स्ड हो गया है। मतलब अभी दिसंबर 2022 चल रही है, एंड अभी से ये नोटिस आ चुकी है कि मई के महीने में 2023 में 21 से 31 मई के बीच में आपकी एग्जाम होगी, फरवरी में आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगी। पिछले साल तो फरवरी तक कोई भी नामो निशान नहीं था CUET का। तो जब इतने पहले से CUET कराने की बात हो रही है, तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो अब बढ़ते चले जाएंगे। क्या होगा कि किसी भी बच्चे को अगर नीट का पेपर देना है तो भी वो CUET देगा, किसी को JEE का एग्जाम देना है तो भी वो CUET देगा, किसी को कोई भी एग्जाम देना है तो भी वो CUET देगा। बहुत ही प्रैक्टिकल सा बात है, समझो मेरी बात को, डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। मैं जो बता रहा हूं उस डेटा को समझो, बहुत सेंसिटिव चीज है, मैं एकदम फैक्ट टू फैक्ट बातें करता हूं, कड़वी बातें करता हूं, लेकिन सत्य बात करता हूं, क्योंकि मुझे पता है जितना प्रैक्टिकल मैं बच्चों के साथ होऊंगा, जितना वो ख्याली पुलाव से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा उनका एग्जाम निकलने का चांसेस बढ़ेगा। समझ गए? तो फैक्ट टू फैक्ट बात है कि बच्चे तो इसमें बहुत बैठेंगे, एंड आने वाले टाइम पे और बच्चे बैठेंगे, एंड आपके लिए कंपटीशन बढ़ते 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 बहुत आगे चला गया है कंपटीशन। समझ रहे हो? हर एक बच्चे को CUET एग्जाम में बैठना है, हर एक बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU मेन कैंपस, JNU में एडमिशन लेना, हर एक बच्चे को जामिया में जाना है, और अब तो और यूनिवर्सिटीज इसके अंदर ऐड होते चली जा रही है। वो अलग बात है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आएंगे तो कॉम्पिटिशन जो बढ़ रही है उसके साथ साथ ऑप्शन भी खुलते चले जाएंगे, लेकिन जो बड़ी यूनिवर्सिटी है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें तो 20,000 नॉर्थ कैंपस में सीट रहेगी ना, टोटल तो 60-75 हज़ार सीट रहेगी, इससे ज्यादा तो नहीं आएगी, 60-65 हज़ार से सीट से ज्यादा तो नहीं रहेगी, लेकिन बच्चे तो बढ़ते चले जाएंगे रजिस्ट्रेशन करते समय। तो जब इतने बच्चे बढ़ेंगे तो यूनिवर्सिटी तो अपने सीट्स नहीं इंक्रीज कर रही है ना, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन अपने अंदर यूनिवर्सिटी सीट इंक्रीज नहीं कर रही है। इसका मतलब आपके लिए कॉम्पिटिशन और ज्यादा टफ होते चला जा रहा है, इसीलिए तो सरकार आपको पहले से बोल दी है कि बेटा तुम तैयारी करो। और यही चीज हम अपने बच्चों से कहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं बच्चों को यही कहते हैं, बेटा पढ़ो, चाहे हमसे जुड़ के पढ़ो या खुद से पढ़ो, लेकिन पढ़ो और अभी से पढ़ाई शुरू करो, क्योंकि अब अगर लेट कर दी तो बिल्कुल बहुत लेट हो जाएगी, फिर एग्जाम नहीं निकलेगा। सीरियसली बता रहा हूं, क्या फायदा अगर तुम, जो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है बहुत बड़ी एग्जाम निकालने की, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, बट स्टिल तुम किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन ले रहे हो, लेकिन तुम्हारी पोटेंशियल बहुत ज्यादा थी,
तुमने सारी पोटेंशियल वेस्ट कर दी। इतना बड़ा एग्जाम है सीयूईटी का आज के टाइम पे भैया कि आप अपनी बोर्ड्स के एग्जाम में 99% भी ले आए ना 100 में से तो भी गारंटी नहीं है कि भारत का आपको टॉप कॉलेज मिलेगा, लेकिन सीयूईटी में अगर अच्छी परसेंट लाई और बोर्ड्स में अगर कम परसेंट है तो गारंटी है कि आपको जरूर भारत का टॉप कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपको भारत के टॉप कॉलेज में जाना है तो बेटा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। मैं हर एक पेरेंट से यही बात बताता हूँ, जिस भी पिता या माता से बात होती है, माता जी से बात होती है मेरे स्टूडेंट की, उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ, भले आप अपने बच्चों को हमसे पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, किसी से मत पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाओ जरूर, मारो पीटो डांटो, लेकिन पढ़ाओ बच्चों को, क्योंकि अब अगर वो ये नहीं पढ़ा और सीयूईटी एग्जाम को लाइटली ले लिया तो भैया कुछ नहीं होगा। मैं बहुत प्रैक्टिकली पेरेंट्स से बात करता हूँ, बहुत प्रैक्टिकली, बहुत ज़्यादा, और आपको हमेशा ये कहता हूँ, खुद से अगर तैयारी करने गए हो तो कभी भी 1% की भी वो मत रखना, चूक मत रखना, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, खुद से तैयारी करते समय छोटी सी गलती कर देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज या नोट्स, स्टडी मटेरियल, कोई लेक्चर उनसे छूट गया अगर खुद से पढ़ते समय, तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं है। इसीलिए यही चीज़ हम अपने कोर्स में रेक्टिफाई करते हैं, एंड यही चीज़ हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं कि कोई बच्चे का किसी भी एंगल से कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ना छूटे, एंड वो इतना तैयार हो जाए कि एग्जाम आने के 2 महीने पहले उसको क्वेश्चन अगर दे दे तो वो बंदा बना के सॉल्व करके खत्म कर दे। इस तरीके का हम तैयारी कराते हैं, बहुत प्राउड हो रहा है ये बताते हुए कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, DU है, JNU है, BHU है, जामिया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इनके मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, जितने भी एस्पिरेंट है उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली रास्ता खुला है, हमेशा तुम्हारे भैया का द्वार ओपन है। और हां, CUET की एग्जाम कोई छोटी मोटी नहीं है, डिफिकल्टी लेवल है, बहुत ज़्यादा नहीं है नीट और JEE जितना, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है CUET के एग्जाम में कि हर बच्चे को अलग अलग पेपर देना पड़ सकता है, इतनी बड़ी एग्जाम ये होने वाली है। तो आपको इस एग्जाम को लाइटली नहीं लेना है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, नहीं तो बेटा तुम फेल कर जाओगे। फेल कोई नहीं होता, मतलब तुम्हें अगर कोई टॉप कॉलेज मिली ही ना, या फिर वो कॉलेज ना मिले जो तुम्हारा सपना है, तो तुम फेल ही कहलाओगे उस साल में, और तुम्हें दोबारा देना पड़ेगा अगले साल। इसीलिए मैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से चलता हूँ, बहुत ही कड़वा बात बोलता हूँ ताकि मेरे बच्चे का आंख खुले और वो एग्जाम निकाले। दैट्स इट। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हम हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, दिन रात आप लोगों के लिए लगा हुआ और हमेशा लगा रहूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय।